नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्रावणी मेला में लोक गायक छैला बिहारी अजगैवीनाथ धाम पहुंचकर किया अंगिका भक्ति गीत की शूटिंग। रिंग बांध पर ट्रक के द्वारा साइकिल को टक्कर मारने से छात्र की मौत। खाने के स्टॉल पर टूट पड़े कुशवा के समर्थक, खाना मिलने पर बोले खुद को समझ रहा हूं सौभाग्यशाली। देर रात पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल को उसके घर से हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अपने शरीर में सैकड़ों सुई चुभोकर कैमूर के सिंटू चल पड़े हैं बाबा धाम। और अब खबर विस्तार से। श्रावणी मेला में लोक गायक छैला बिहारी अजगैवीनाथ धाम पहुंचकर किया अंगिका भक्ति गीत की शूटिंग। श्रावणी मेला के दौरान बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों सहित कई जगहों के कांवरियों के जत्थे पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ओर बिहार के मशहूर अंगिका लोक गायक कलाकार सुनील छैला बिहार ने बोल बम पर आधारित अपने अंगिका भक्ति एल्बम की शूटिंग की। इस दौरान शूटिंग देखने वालों की होड़ लग गई। वहीं सुनील छैला बिहारी ने बताया कि भोजपुरी से ज़्यादा अंगिका को लोग पसंद कर रहे हैं और मैं अंगिका लोक गायक हूं और मेरी यह भोलेनाथ पर आधारित एल्बम तैयार हो रहा है जो जरूर लोगों को पसंद आएगा। वहीं उन्होंने राजनीति में आने की मंशा को लेकर कुछ भी बताने से इनकार किया। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ऐसा न्यूज देव जेबो हड़ बड़ाई, ऐसा गाना सुनवा रहे ना आप। पुलिस वाला सब कॉपरेट नहीं करेगा। अभी बोले छैला मेरे सब आने दिया। ऐसा न्यूज देव जेबो हड़ बड़ाई, अगवानी पुल गिर ले फेरू भर भर आई, अगवानी पुल गिर ले फेरू भर भर आई। देखिए हम भागलपुर पुल नहीं बोले, अगवानी पुल और सुल्तानगंज पुल, ठीक है। सुल्तानगंज पुल गिर ले फेरू भर भर आई, सुल्तानगंज पुल गिर ले और सुना देंगे। रिंग बांध पर ट्रक के द्वारा साइकिल को टक्कर मारने से छात्रा की मौत। पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना के जाह्नवी चौक स्थित रिंग बांध पर ट्रक के द्वारा साइकिल को टक्कर मारने से छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र इस्माइलपुर थाना के छोटी पर्वता निवासी चंद्रशेखर मंडल के पुत्र कृष्ण कुमार हैं। बताया जाता है कि पिता गंगाजल लेकर देवघर गए हुए हैं। कृष्ण कुमार गांव के ही मध्य विद्यालय में वर्ग 6 में पढ़ता है। परिजनों ने बताया कि कृष्ण कुमार साइकिल से पशु चारा लाने के लिए रिंग बांध के पास खेत गया था। खेत से वह पशु चारा लेकर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान रिंग बांध पर ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। कृष्ण कुमार सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्घटना की सूचना पाकर सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष एजाज रिजवी ने लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया। मृतक कृष्ण कुमार 3 बहन और 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। ग्रामीणों ने ट्रक चालक व ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया है। इस्माइलपुर थाना में ट्रक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवगछिया से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। खाने के स्टॉल पर टूट पड़े कुशवा के समर्थक, खाना मिलने पर बोले खुद को समझ रहा हूं सौभाग्यशाली। भागलपुर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन में आज भागलपुर पहुंचे, जहां नेताओं के भाषण इतने लंबे हुए कि दीर्घा में बैठे समर्थकों के सब्र के बांध टूटने लगे थे। करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम चलने के बाद जब अंतिम में जिंदाबाद के नारे लगे तो सभी समर्थक खाने की ओर टूट पड़े, क्योंकि मंच से भी लगातार यह घोषणा किया जा रहा था कि खाने की उत्तम व्यवस्था है, आप लोग भोजन ग्रहण करके ही यहां से जाएंगे। फिर क्या था, कार्यकर्ता कुछ इस कदर खाने के स्टॉल पर टूट पड़े कि किसी के हाथ प्लेट लगी तो कोई निराश होकर किनारे खड़ा दिखा, और जो समर्थक पहले पारी में खाने की प्लेट में खाना लेने में कामयाब रहा वह अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। समर्थकों ने कहा कि हम लोग सुबह से नेता का इंतजार कर रहे थे और इतना लंबा कार्यक्रम चलने के बाद हम लोग भूख से व्याकुल थे और हम लोग बहुत देर से कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम लोग खाना खा पाए। वहीं समर्थकों का खाने पर कुछ इस कदर टूटने का नजारा काफी रोमांचक दिख रहा था। लग रहा था कि भैया कोई जंग लड़ने जा रहे हैं और खाना लेके आए, प्राउड फील हो रहा कि खाना लेके आए, एक थाली खाना लेके आए। कहाँ आए थे, कहाँ सवरा है, किस कार्यक्रम में आए थे? यहाँ आए थे श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण सुनने के लिए और जानने के लिए कि क्या क्या नया कार्यक्रम हो रहा है। वो बताए कि कोई बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले होते हैं जो कि आवाज़ उठाना चाहते हैं
लेकिन उनके आवाज़ों को दबा दिया जाता है। जैसे कि मनीष कश्यप का उन्होंने उदाहरण दिया जो कि उनको जेल में डाल दिया गया, और वो बताया कि एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीपीएससी का यहाँ पे निकला कि बिहार के लिए पहले निकाला गया था फॉर्म सिर्फ बिहार के लिए, लेकिन थोड़ा कुछ दिन बाद पता चलता है कि नहीं पूरा भारत का भर सकता है। बीच के कहीं खाने का इंतजार था आप लोगों को? हाँ, खाने का भी इंतजार था क्योंकि सुबह से ही हम लोग भूखे थे, तो और अभी जब खाना लेकर बाहर निकले तो कैसा भीड़ देखे? बाहर देखे तो लगा कि एकदम कहीं से सैलाब उमड़ पड़ा है, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ है। जितना सोचे नहीं थे कि अंदर में इतना होगा, जब बाहर निकलते हैं तो सबको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ही भीड़ है। सबसे पहले कैसे ले लिए खाना था? बहुत लोग अभी भी पहले से प्लानिंग करके रखे थे कि जैसे वहाँ देखेंगे जिंदाबाद लगने लगेगा, मतलब कि ये खत्म होने पर है, आगे जाके रहो, प्लेट उठाओ, अपने दोस्तों का प्लेट उठाए, खाना लिए और बाहर आए तो बहुत प्राउड फील हुआ कि खाना लेके आए। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। देर रात पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल को उसके घर से हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में देर रात पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल को उसके घर से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने एक पिस्टल और कई गोली भी बरामद की है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी आदिल किसी अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में पहुंचा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सिटी DSP के द्वारा किया गया। छापेमारी टीम में CIT के जवानों के साथ साथ कई थानों की पुलिस मौजूद थी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अपने शरीर में सैकड़ों सुई चुभोकर कैमूर के सिंटू चल रहे हैं बाबा धाम। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में एक से बढ़कर एक अजब अनोखे कांवरिये हर साल आते हैं। भक्तिभाव की पराकाष्ठा में कुछ अलग कर दिखाने की प्रबल आकांक्षा ऐसे भक्तों को पूरे मेला मार्ग में आकर्षण का केंद्र बना देते हैं। 4 जुलाई से शुरू श्रावणी मेला में अभी तक कई अजब गजब रूप रंग आकार के कांवर लेकर कांवरिये जा चुके हैं। तरह तरह के कांवरिया गेरुआ वस्त्र धारण के सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। इन सब से अलग एक कांवरिया ऐसा भी है जिसके शरीर के ऊपरी हिस्से में वस्त्र की कोई जरूरत ही नहीं है। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर एक ऐसा अनोखा भक्त जल भरने कैमूर जिला के कुदरा से आया है, जिसने गंगा तट पर उतरते ही पूरी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह हटे कांवरिया संतू शर्मा उर्फ केसरिया लोहार अपने शरीर में हजारों सुई पिरो कर गंगाजल भरने के लिए सुल्तानगंज पहुंचा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। संतोष शर्मा ने बताया कि भगवान भोले को कोई अवघड़ नाथ तो कोई अवघड़ दानी तो कोई पागल बाबा कहता है। मैं उसी पागल बाबा का भक्त एक पागल हूं जो बाबा का दर्शन करने देवघर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बचपन से सुनता आ रहा हूं कि जो भी सच्चे मन से मुरादें लेकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जाता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी एक मन्नत लेकर बाबा भोले के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहा हूं। शायद मेरी भी पुकार भगवान भोलेनाथ सुन ले। उन्होंने कहा कि हजारों सुई की चुभन से शरीर में दर्द तो हो रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति के आगे यह दर्द कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा खासा अपना रोजगार कर रहा था, लेकिन 2 वर्षों के लॉकडाउन ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं सड़क पर आ गया। लॉकडाउन की वजह से हुए कर्ज ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है। मैं जिंदगी से तंग आकर कुछ दूसरा रास्ता अपनाना चाहता था, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद अब अपनी मर्जी लेकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में जा रहा हूं। अब बाबा बैद्यनाथ ही मेरा सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा नाम संतू शर्मा हुआ, गांव मेरा कुदरा, थाना कुदरा, जिला कैमूर भगुआ का मैं निवासी हूँ। पेशेवर से मैं एक डांसर हूँ और कलाकार भी हूँ। ये सब माने कि हम लोग करते हैं, इसी कारण हम सोचे कि माने कि बाबा के पास जाएं तो कुछ हजारों में एक हो, औरों की तरह माने कि एक कलर ना हो, हमारा कलर एक अलग कलर हो। इसी माध्यम से मैं चला हूँ। और फिर तो दुख अपन काकरा ले कह बबे ले कह जे अपना शरीर में हतना खूब ले लेब तो हमारा कितना दुख होई और कितना कष्ट दे जाता हूँ बाबा जान। तो ऐसा नहीं लगता। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल TV न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल TV न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर।